फर्जी आईपीएस के बाद अब फर्जी दरोगा गिरफ्तार। फर्जी दरोगा बनकर करता था धन की उगाही। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैमूर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में फर्जी दरोगा बनकर धन की उगाही करने वाले एक गिरोह का उद्भेदन करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति द्वारा किए गए धन की उगाही की राशि समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गौरतलब बात तो ये है कि गिरफ्तार किए गए फर्जी दरोगा गिरोह के पास से 2 मोबाइल, एक रस्ता लगा हुआ हथकड़ी, नकली बाल पिस्टल रखने का हॉलस्टर, 22,000 रुपया नकदी, एक स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार गिरोह के सरगना के ऊपर उत्तर प्रदेश के लंका, लक्सा, रामनगर, चेतगंज, भेलूपुर समेत विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। बताया जाता है कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जिलों में घूम घूम कर अलग अलग विभागों का फर्जी दरोगा बनकर आम लोगों को अपने कब्जे में कर धन की उगाही का काम करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब 24 सितंबर को फर्जी दरोगा गिरोह के द्वारा चैनपुर थाना के हाटा बाजार से एक व्यक्ति को जबरन उठाकर हथियार का भय दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे की मांग की गई। उस व्यक्ति द्वारा अपने भाई के माध्यम से 22,000 रुपया UPI के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया। फर्जी गिरोह के द्वारा जबरन 20,000 रुपये भी छीन लिए गए थे, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा चैनपुर पुलिस को दी गई थी। इस बाबत जानकारी देते हुए SDPO भभुआ शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि सूचना के बाद चैनपुर थाना और DIO की टीम का गठन किया गया। 24 घंटे के भीतर ही चैनपुर पुलिस ने UPI से ट्रांसफर किए गए पैसे की तकनीकी अनुसंधान की जांच के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह में शामिल मुख्य अभियुक्त समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में सभी उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए हैं, जिनमें मुख्य अभियुक्त त्रिलोकी चौहान उर्फ संजय चौहान रामनगर वाराणसी के तौर पर पहचान की गई है। वही अन्य 2 फर्जी दरोगाओं में संदीप कुमार पिता सीताराम निषाद बड़ी बसही मिर्जापुर और संजय साहनी पिता भरत लाल साहनी शिव कुमार वाराणसी का नाम शामिल है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर दें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। 2-2.5 महीना हो गया सर। आपके साथ और कौन कौन लोग? हमारे साथ जो 2 लड़के सर हैं सर। वो क्या? वो सर एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है और सिपाही बन जाता है सर। कहाँ रहते हैं? क्या ये हम करमनासा में सर रहते हैं। रूम लिए थे या कहां? जी रेंट पर है वहाँ पे। आपका लोकेशन कहाँ कहाँ था काम करने का, किस किस एरिया में जाते थे? लोकेशन सिर्फ यही जो है चैनपुर थाना अंतर्गत मजुंडा उतना सर, यही सब हो गया जहाँ दारू ज्यादा सर बेचते हैं सर। आप तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 2 महीने से काम कर रहे हैं, आप पिछले भी मतलब कई मुकदमा आप पिछले मुकदमा जो है जो भी तो हमारे बनारस से बनारस रामनगर से है जो है सिक्योरिटी का काम हम करते थे उसमें जो मुकदमा लगाया गया लूट का सब मुकदमा सर लगा हुआ है। आई कार्ड का दरअसल तो उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है तो बिहार का भी उसमें बिहार पुलिस का भी है, उत्तर प्रदेश दोनों पुलिस का है। तो यूपी में भी करते थे सिर्फ बिहार में? नहीं, यूपी में भी सर करते थे सर। शराबबंदी है नहीं तो शराब के मामले में नहीं सर, गाजा वजा सर अगर कोई जो बेच रहा है जो ऐसा अवे जैसे कोई गुड़िया पे पी रहा है तो उसको परेशान। मैं मूल निवासी जो है कि थाना रामनगर जिला वाराणसी गोलाघाट ठगरी बाजार रामनगर वाराणसी सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम त्रिलोकी संजय चौहान सर। इस तरह का काम जो है करने का आपको माइंड में यदि कैसे आया, कहां से आपको ये चीज मिला? सर ये सब तो बहकाव में पहली बार ये काम हम कर दिए। इससे पहले जो है दलाली का सर काम करते थे और फिर इससे पहले पूर्व में जो है सिक्योरिटी का हम काम करते थे सर। ठीक है, जब हमारे पर मुकदमा सब लग गया तो फिर जो है कि बड़ा डिश हो गया। क्या मामला सर? कैमूर पुलिस के द्वारा चैनपुर थाना अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया जो फर्जी पुलिस बनकर लोगों से पैसा उगाही किया करता था। ये अक्सर अपने आप को एक्साइज दरोगा उत्तर प्रदेश का बताते थे, कभी बिहार पुलिस का भी बताते थे। इसी क्रम में हम लोगों को कल सूचना मिला था कि कल संध्या के वक्त चैनपुर थाना क्षेत्र घाटा मार्केट से एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती उठा लिया है। सूचना जैसे मिला हम उस पर कार्रवाई तुरंत करने लगे तो उसके अलावा इसके बाद उपरांत हम लोगों को जो भी प्राप्त मोबाइल नंबर वगैरह हुआ था उससे हम लोगों ने लोकेशन ट्रेस किया। उसके बाद हम लोगों ने एक व्यक्ति को बरामद किया जो कि जिसको लेकर भागा जा रहा था। जब हम लोगों ने उससे पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इनको एक नंबर से फोन आया था और फिर उसको गाड़ी में बिठा लिया गया और तुरंत ही उसको हथकड़ी पहना दिया गया।
और हथकड़ी पहना कर ये क्या क्या अपने आप को वो उत्तर प्रदेश एक्साइज दरोगा बताने लगे अपने आप को। और उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं तुम जो भी है तुम्हारे पास कुछ पैसा दो नहीं तो उनको जान से मार के फेंक देंगे। इसी डर से उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे इसके पास थे लगभग 20,000 रुपये इनके पास नकद भी था साथ में वो भी उनके द्वारा छीन लिया गया। और पैसा देने के नाम पे इनके द्वारा अपने भाई के जो मोबाइल से इनके द्वारा एक नंबर बताया गया उस पर फोन पे ट्रांसफर भी 22,000 रुपये किया गया था। 22,000 रुपये इनको कुल मतलब 42,000 रुपये इनके द्वारा उगाही किया गया था। तो हम लोगों ने जो भी इस अनुसंधान जैसे में सूचना मिला था तो हम लोगों ने चैनपुर थानाध्यक्ष और DIO के नेतृत्व में संयुक्त टीम का तुम हमारे गठन करके इस पर आवश्यक कार्रवाई करने तुम लोग भेजे थे। तो इन टीम के द्वारा जो भी प्राप्त मोबाइल नंबर है उसके अलावा UPI ट्रांजेक्शन है जो भी तकनीकी अनुसंधान है मानवीय सूत्रों का सहायता लेते हुए तत्काल इस घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और जो भी व्यक्ति थे उसको सकुशल बरामद कर लिया गया। इसके अलावा एक कार जो कि इस घटना में प्रयुक्त किया गया था हम लोगों ने उसको भी बरामद किया हुआ है। इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो एक त्रिलोकी चौहान करके है उर्फ संजय चौहान जो कि उत्तर प्रदेश में थाना रामनगर जिला वाराणसी का रहने वाला है। ये ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। ये पूर्व में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। तो इस गेस जिस संस्थान में प्रतिनियुक्त थे वहाँ पर कुछ चोरी की वारदात हुई थी तो जिसमें इसकी शायद संलिप्तता पाई गई होगी वहाँ पर। इसके उपरांत इसको वहाँ से निकाल दिया गया इसके उपरांत इसके द्वारा इस तरह का कार्य किया जाने लगा। ये इससे इनके द्वारा बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह जो गांजा बेचते थे उनको भी फंसाने के डर से अपने आप को इस तरह का कार्य किया करते थे। बिहार में शराबबंदी के नाम से उनको शराब के केस में इसलिए एक्साइज दरोगा अपने आप को ये बताते थे। तो हम लोग इसके जो हम लोगों ने और भी जो अनुसंधान किया अभी तक इसके ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं जो कि लूट हो गया चोरी हो गया आम सेक्ट के भी लगभग 7 मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में खासकर जो रामनगर थाना है लक्षा थाना है लंका वाराणसी का जो थाना है तो इसके ऊपर अलग अलग मामले भी दर्ज हैं। हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं तो इसकी संख्या और किस प्रकार के कांडों में रही है। इसके अलावा हम लोगों ने जो बरामद किया है इसके पास से 4 मोबाइल फोन है एक हथकड़ी भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इसके द्वारा किसी को पकड़ तत्काल हथकड़ी लगा दिया गया। हम लोगों ने उस हथकड़ी को भी रस्ता के साथ बरामद किया हुआ है। इसके पास से एक उत्तर प्रदेश का ID कार्ड का एक जो बैच होता है फीता वो भी हम लोगों ने बरामद किया हुआ है और नकद भी हम लोगों ने 22,000 रुपये उसके यहाँ से बरामद किया है और पिस्टल रखने का होल्स्टर भी है जो कि अमूमन यूज़ करते हैं हम लोग तो एक बेल्ट भी है जो कि पुलिस वाले लगाते हैं वो भी हम लोगों ने बरामद नहीं किया है। हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं कि इसके द्वारा और कहाँ कहाँ इस पूरा घटना का अंजाम दिया गया जो भी इसमें मामला आएगा हम तत्काल उसके और भी कार्रवाई करेंगे। सर इसके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज है पूर्व में उत्तर प्रदेश है बिहार में भी है अभी तक जो हम लोग को पता चला है सारा मामला उत्तर प्रदेश का ही है। ये चेतगंज थाना हो गया भेलीपुर थाना है रामनगर थाना है लंका थाना है लक्षा सारा बनारस और उसके आसपास के जिलों में दर्ज है जो कि चोरी मामले अभी तक उत्तर प्रदेश से फरार है इसका मतलब। हाँ वहाँ से मुझे जैसा लगता है कि ये जैसे जितने पूछताछ बताया गया ये 2 या 2.5 महीने से ये इस क्षेत्र में रह रहा है हो सकता है वहाँ पर इसका उद्भेदन होने के उपरांत ये वहाँ से आकर यहाँ पे अपना कार्य शुरू किया था और कल इसके द्वारा इसी घटना को अंजाम दिया जिसके क्रम में ये हम लोगों द्वारा तत्काल पकड़ लिया गया। थैंक यू। ऑल ब्रांड AC के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए सही दाम मधुर व्यवहार 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ गैलरी हाउस कर पूरे चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8100222953।